हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वोकेबुलरी के कुछ शब्द सिखाऊंगा, लेकिन इस बार माध्यम जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। इससे पहले जो मैंने शब्द आपको सिखाए वो तस्वीरों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, या फिर उनको दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि समानार्थी और भिन्नार्थी शब्दों के माध्यम से आपको सिखाया। लेकिन अंग्रेजी में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन, रूट, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, यानी कि कौन सी भाषा, वो कहाँ से निकली, उसका ओरिजिन क्या है, उसमें कौन कौन सी भाषा की जड़ यूज़ करके शब्द बनाए गए, प्रीफिक्स क्या हैं और सफिक्सेस क्या हैं, इस सब को हम बोलते हैं इटाइमोलॉजी। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक हिंदी का शब्द लिखता हूँ अवसर, अवसर मतलब होता है मौका। अगर मैं इसके आगे लगा दूं सुअवसर, तो सुअवसर मतलब अच्छा मौका, मुझे आपसे मिलने का सुअवसर हुआ, यानी कि मुझे आपसे मिलने का अच्छा सौभाग्य मिला, सुअवसर हुआ। लेकिन अगर यानी कि सु दिखाता है कुछ पॉजिटिव, जैसे सुयोधन या सुपुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा। लेकिन अगर मैं सु की बजाय कु शब्द यूज़ करूँ, जैसे कुपुत्र मतलब जो बेटा अच्छा ना हो, या फिर कुपौत्र, या फिर जितने भी शब्द आप कु से देखेंगे सारे एक नेगेटिव मीनिंग के साथ होंगे, क्योंकि कु जो है ये हिंदी में एक वर्ड रूट है। इसी तरह सु भी हिंदी में एक वर्ड रूट है, इसी तरह दू भी हिंदी में वर्ड रूट है। दू भी लगता है तो मतलब नेगेटिव, जैसे सुयोधन को अगर आप दुर्योधन कर देंगे तो दू मतलब नेगेटिव। इसी तरह से जिस तरह हिंदी भाषा में जो वर्ड रूट्स हैं ये शब्दों को बनाते हैं, अंग्रेजी में भी ये वर्ड रूट्स शब्दों को बनाने में मदद करते हैं। जितने भी शब्द हैं उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी न किसी जड़ से बने हैं, और अगर आप उसकी जड़ पकड़ लेते हैं तो फिर शब्दों को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ शब्द देखूंगा जिन्हें याद रखने के लिए आप वर्ड रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के अंदर कोई वर्ड रूट होता है, लेकिन जानबूझकर इस वीडियो में, क्योंकि मैं इटाइमोलॉजी का मेथड यूज़ करूँगा, इसीलिए मैं वर्ड रूट्स का मेथड यूज़ करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा वर्ड के रूट्स के ऊपर। अंग्रेजी में शब्द है टेले, टेले वर्ड रूट पहला रूट है। इसको बोलते हैं फार ऑफ। अगर कोई चीज़ आपसे दूर होती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं टेले। अब ध्यान से सुनिए, टेलीफोन शब्द कैसे बना। फ़ोन ये अपने आप में एक शब्द है, फ़ोन मतलब होता है साउंड यानी कि आवाज़, और टेले मतलब होता है दूर। तो दूर का जब आप आवाज़ सुन सकते हैं तो उसे बोलते हैं टेलीफोन। तो टेले मतलब फार, फोन मतलब साउंड, जो आपको फार अवे साउंड सुनाए वो टेलीफोन। इसी तरह टेलीग्राम, अंग्रेजी में ग्राम या ग्राफ, GRAPH ग्राफ, इन दोनों का मतलब होता है राइटिंग, लिखना, लेखनी। तो टेले मतलब दूर, ग्राम मतलब लेखनी, यानी जब आप दूर किसी को लिखते हैं तो टेलीग्राम। इसी तरह से टेलीपैथी, बहुत ही अच्छा शब्द है। टेले मतलब दूर, पैथी क्या होता है, अंग्रेजी में पैथी शब्द आता है एक और शब्द से जिसको बोलते हैं पैथोस, यानी कि फीलिंग, आप कैसा फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के प्रति बहुत अच्छा फील करते हैं उसे बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी यानी किसी के प्रति बहुत ही अच्छा फील करना, उसकी मदद करना, उसके प्रति दया का भाव रखना। अगर आप किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसका दर्द समझते हैं, उसे बोलते हैं सिंपैथी। सिंपैथी और एम्पैथी में ये फ़र्क है कि जो एम्पैथी है ये थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है, ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड है। सिंपैथी यानी किसी से सहानुभूति रखना, लेकिन एम्पैथी मतलब बिल्कुल उसका दर्द समझना, बिल्कुल उसकी तकलीफ समझना, उसका निवारण करने का प्रयत्न करना, उसको बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी दोनों ही पॉजिटिव वर्ड हैं, और पैथी जैसा मैंने बताया, पैथी मतलब फीलिंग, यानी दोनों में ही आप किसी दूसरे के प्रति बहुत ही सकारात्मक भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, दीनता नम्रता का भाव रखते हैं। लेकिन अगर मैं पैथी के आगे ए लगा दूं, ए पैथी मतलब आपकी कोई फीलिंग नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, नो फीलिंग्स। और एक होता है एंटीपैथी, एंटीपैथी मतलब नेगेटिव फीलिंग्स। एंटी मतलब ही होता है उल्टा, विपरीत,
एंटी, अगर आप एंटी सोशल हैं मतलब आप लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करते, अगर आप एंटी हैं किसी चीज़ के मतलब आप उस चीज़ का विरोध करते हैं, तो एंटीपैथी यानी नेगेटिव फीलिंग। सिंपैथी और एम्पैथी ये पॉजिटिव, एंटीपैथी नेगेटिव, और एपैथी मतलब कोई फीलिंग ना होना। और सिंपैथी और एम्पैथी में अगर आप कन्फ्यूज हैं तो बस इतना याद रखिए कि एम्पैथी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे कहता है कि मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, मेरा वज़न बढ़ गया है, तो आप उसको बोलेंगे मैं आपकी बात समझता हूँ, यानी मैं आपके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, यानी सिंपैथी, आई सिंपैथाइज विद यू। लेकिन अगर आप खुद भी वज़न कम करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हैं लेकिन उसके बावजूद नहीं कम कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम्पथाइज विद यू। उस केस में आपकी जो फीलिंग है ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आप खुद जो पाथ, जो रास्ता दूसरे ने इख्तियार किया है, जो रास्ता दूसरा चल रहा है, वो उसी रास्ते पर आप भी चल रहे हैं, यानी आप उसका दर्द ज़्यादा समझते हैं क्योंकि यू हैव वॉक्ड इन हिज शूज़, तो यू एम्पथाइज विद हिम। बस इतना फ़र्क है सिंपैथी और एम्पैथी में। और एपैथी क्या होता है? एपैथी होता है मान लीजिए अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा सड़क के ऊपर और उस एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया है, लेकिन आप चुपचाप साइड से निकल जाते हैं बिना उसको उठाए, यानी आप एपैथी दिखा रहे हैं, आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है। और एंटीपैथी मतलब किसी के प्रति नफरत का भाव रखना, किसी चीज़ को नापसंद करना, उसको बोलते हैं एंटीपैथी। तो आप देख सकते हैं कि पैथी शब्द से ही कितने ज़्यादा वर्ड बन गए। अब टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब फीलिंग, टेले मतलब दूर, जैसा हमने देखा सारे शब्दों में टेले यूज़ हो रहा है, टेले मतलब दूर, और पैथी मतलब फीलिंग, यानी जब आप अपनी फीलिंग्स टेले मतलब दूर किसी दूर बैठे व्यक्ति को पहुंचा सकें वहीं बैठे बैठे, उसको कहते हैं टेलीपैथी। जैसे कई बार कहते हैं कि दो लोग आपस में इतने क्लोज होते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति दूसरे देश में भी बैठा है और अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो पहले वाले को आभास हो जाता है, उस आभास को कहते हैं टेलीपैथी। तो यानी कि जब कोई आपसे बहुत दूर है और उसकी फीलिंग आपको पता चल जाती है तो वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी इज़ अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से है टेलीविजन। विस मतलब क्या होता है? देखना, इमेज। जब कोई किसी चीज़ की इमेज बनती है उसको बोलते हैं विस। विस से विजन, विजन मतलब देखना। जैसे कहते हैं कि आपकी आंखों का विजन कितना है, आपकी आंखों की जो देखने की शक्ति है वो कितनी है, विजन मतलब देखना। तो टेले मतलब दूर, दूर का देखना, यानी टीवी, यानी टेलीविजन, इसलिए इसका नाम रखा टेलीविजन। टेले मतलब दूर, विजन मतलब देखना। टेलीफोटो, टेलीफोटो, फोटो मतलब होता है प्रकाश यानी लाइट। जैसे आपने सुना होगा पौधे खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश की मदद से खाना बनाना, कुछ बनाना। सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना और फोटो मतलब ऊर्जा यानी लाइट। तो लाइट फ्रॉम फार अवे, अगर दूर से कोई रोशनी आती है तो उसे बोलेंगे टेलीफोटो। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब, टेले मतलब दूर, जो दूर की चीज़ आपको दिखाए उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। सो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम शब्दों को किस तरह से स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था फोन, ये एक अंग्रेजी में वर्ड रूट है PHON। फोन मतलब होता है आवाज़, साउंड। एक बात याद रखिए, साउंड और नॉइज़ में भी फर्क होता है। नॉइज़ होता है ना चाही हुई आवाज़, यानी बहुत ही कर्कश आवाज़, उसको बोलते हैं नॉइज़। कभी भी आप सुनेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन, कभी भी साउंड पॉल्यूशन नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ तो हमें चाहिए, आवाज़ के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। अब मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ ये भी आवाज़ है, पर क्या ये कर्कश आवाज़ है, क्या ये नॉइज़ है या साउंड है? तो साउंड, नॉइज़ मतलब अनचाही आवाज़, उसे बोलते हैं नॉइज़। जैसे बहुत ज़्यादा अगर कोई ट्रक आवाज़ कर रहा है, गाड़ी आवाज़ कर रही है, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, साउंड पॉल्यूशन नहीं। साउंड मतलब जो चाहे, जो आवाज़ जो ज़रूरी है वो साउंड है, और नॉइज़ मतलब अनचाही आवाज़। फ़ोन मतलब साउंड। तो माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औज़ार है जो साउंड की जो वेव्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसे बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रो मतलब होता है अंग्रेजी में छोटा। अगर आप छोटी चीज़ों को देखते हैं तो उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। वो औज़ार, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से छोटी चीज़ों को देखते हैं, सूक्ष्म चीज़ों को देखते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। इसी तरह से अगर आप छोटी बहुत ही सूक्ष्म जीवित चीज़ों को पढ़ते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बायो मतलब जिंदा,
लॉजी मतलब किसी चीज़ को पढ़ना और माइक्रो मतलब सूक्ष्म यानी छोटे सूक्ष्म जीवों को पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी। फोनेटिक्स क्या होगा, फोन मतलब आवाज़, फोनेटिक्स मतलब अगर आवाज़ को आप पढ़ते हैं, साउंड्स को पढ़ते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं फोनेटिक्स का विज्ञान। होमोफोन, होमो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, सिमिलर, और फोन मतलब आवाज़। तो ऐसे साउंड जो बिल्कुल एक जैसे सुनाई देते हैं वो हैं होमोफोन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ अफेक्ट और इफेक्ट, यानी ये लगभग एक जैसे ही सुनाई देते हैं, हालांकि इनके जो मीनिंग है उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैंने एक वीडियो होमोफोन्स के ऊपर भी बनाया है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन इनके जो मीनिंग है उनमें अलग अलग, उनके उनमें बहुत फ़र्क है। होमो मतलब एक जैसा और फोन मतलब साउंड। अब अगर मैं आपको बोलूं यूफोनी क्या होगा, यू का मतलब होता है अच्छा, जैसे यूलॉजी मतलब किसी की तारीफ करना, यू मतलब कुछ भी, कहीं पे भी अगर यू आ जाए मतलब कुछ अच्छा होगा, गुड, वेल। फोन मतलब साउंड, तो यूफोनी क्या होगा, अच्छा साउंड, मधुर साउंड, एक ऐसा साउंड जिसे सुनकर मज़ा आ जाए, बहुत ही मीठा, सुरीला, कर्ण प्रिय, कानों को अच्छा लगने वाला। तो इसका मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर, यानी जो कानों को अच्छा लगे, कर्ण प्रिय हो, वो है यूफोनी। यूलॉजी क्या होगा, यूलॉजी मतलब किसी की तारीफ करना, किसी के प्रति अच्छे शब्द बोलना, उसको बोलते हैं यूलॉजी। और यूफेमिज्म क्या होता है, बहुत अच्छा शब्द है, यूफेमिज्म होता है जैसे, अब इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, जैसे मान लीजिए कई बार हम किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द कह देते हैं जो बहुत ही निंदनीय होते हैं, जो बहुत किसी की निंदा अगर हम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, ऑफेंसिव यानी दूसरों को जो खराब लगें, दूसरों को जो क्रोधित करें, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति इंसल्टेड या लज्जित फील करे। इसीलिए कई बार हम उस लज्जा को ढक देते हैं, कई बार हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जिससे दूसरा, चाहे हमारी इंटेंशन नहीं होती लेकिन दूसरा वाला लज्जित फील कर सकता है, इसीलिए हम उसे ढक देते हैं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में शुगर कोट कर देते हैं, यानी उनका जो प्रभाव है वो कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दोनों आंखें ख़राब हैं, उसे दिखता नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो आप अगर उसे कहेंगे कि वो व्यक्ति तो अंधा है, तो ये दूसरे को बहुत ख़राब लगता है, ये लज्जा वाला शब्द है, दूसरा इससे लज्जित फील कर सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सूरदास, तो उसमें आपने थोड़ा सा उस शब्द का जो इफ़ेक्ट है वो कम कर दिया। तो आप जानते हैं सूरदास एक महान कवि थे जो देख नहीं सकते थे, तो किसी को सूरदास कहना मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो व्यक्ति देखने में सक्षम नहीं है। तो ये मैंने क्या किया, अंधा ना बोलकर सूरदास कहा, यानी कि मैंने यूफेमिज़म यूज़ किया। तो यूफेमिज़म हम ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए, मैं एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मान लीजिए मैं अपने दोस्त को किसी अपने एक और दोस्त से मिलवा रहा हूँ, और मेरा दोस्त पूछता है कि आपका दोस्त क्या काम करता है, और वो कोई भी काम नहीं करता है, तो मैं अगर बोलूँगा कि ही इज़ जॉबलेस, तो वो बहुत ही ख़राब लगेगा उसे, कि मैं कहूँगा ये तो जॉबलेस है। नहीं, आप इस तरह से नहीं बोल सकते, उससे वो बहुत लज्जित फील करेगा, इंसल्टेड फील करेगा। मैं बोलूँगा ही इज़ बिटवीन जॉब्स, ही इज़ बिटवीन जॉब्स मतलब कि वो दो जॉब्स के बीच में है, यानी वो देख रहा है अभी क्या काम करना है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उससे वो अंडरस्टूड है, दूसरा समझ जाएगा कि अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें वो ख़राब नहीं लगेगा, यानी यूफेमिज़म। अब आते हैं उल्टे पे, हमने देखा यूफोनी, यू का मतलब क्या था, यू का मतलब था कुछ अच्छा, ई यू मतलब कुछ अच्छा, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू का बिल्कुल उल्टा है कैकोस, के ए के ओ एस, जिसको लिखते हैं सी ए सी ओ, कैको, तो इसका मतलब है कुछ खराब या हार्श, कर्कश, जो जो कानों को अच्छा ना लगे, जो हमें किसी को अच्छा ना लगे, ऐसा। तो अगर मैं यूफोनी मतलब होता है अच्छा, अच्छी आवाज़, तो कैकोफोनी मतलब क्या होगा, कैकोफोनी मतलब क्या होगा, बैड साउंड, यानी कि कर्कश आवाज़। तो जो कोयल की आवाज़ है वो होगी यूफोनी, और जो कौए की आवाज़ है वो होगी कैकोफोनी। अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं और आप पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आपके पड़ोस में लड़ाई चल रही है, यानी कि आप कहेंगे द कैकोफोनी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम माई नेबर्स हाउस इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी,
यानी मेरे जो पड़ोसी के कक्ष से जो कैकोफोनी यानी जो कर्कश आवाज़ आ रही है उसकी वजह से मैं अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ। तो कैकोफोनी यानी बैड साउंड, अ हार्श डिसकॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। इसी तरह कैकोलॉजी क्या होगा? कैकोलॉजी होता है जिस तरह यूलॉजी होता है किसी की तारीफ में अच्छे शब्द कहना, कैकोलॉजी मतलब किसी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, बैड चॉइस ऑफ वर्ड जिसे कहते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल ना करना, कैकोलॉजी। यूलॉजी मतलब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर कोई व्यक्ति उसका उच्चारण अच्छा नहीं है, पुअर प्रोनाउंसिएशन है, तो भी आप कहेंगे कैकोलॉजी या कैकोफोनी, क्योंकि अगर वो उच्चारण अच्छे से नहीं करता है तो वो कर्कश भी हो सकता है और कैकोलॉजी तो होगा ही। अगर मान लीजिए, चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो एग्ज़ाम में हर बार आता है, उसे बोलते हैं यूथेनीसिया। यू मतलब अच्छा, यूथेनीसिया यानी किसी को अच्छी मौत देना। मौत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, तो यूथेनीसिया का मतलब क्या है? यूथेनीसिया मतलब मर्सी किलिंग। मान लीजिए आप सड़क पर किसी ऐसे एक कुत्ते को देखते हैं जो तड़प रहा है, उसको एक ऐसा रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो तड़प रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा करते हुए उसे कई दिन हो गए हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो ठीक तो हो नहीं सकता, यानी आप उसे जहर का इंजेक्शन दे सकते हैं। उससे जहर का इंजेक्शन से वो एक बिना दर्द के ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी यूथेनीसिया यानी मर्सी किलिंग। दया करके किसी को मौत देना, उसे बोलते हैं मर्सी किलिंग। अगला वर्ड रूट है सिन या सिम, SYN सिन या SYM सिम। इसका मतलब होता है एकजुटता, एक साथ, इकट्ठा, टुगेदर। इससे पहले मैं आपको इसका मतलब बताऊं, इससे मिलते जुलते शब्द बताऊं, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं, कन्फ्यूजन भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा फोन मतलब होता है साउंड। वर्ड रूट्स का ये मतलब नहीं होता कि जहां पर भी फोन होगा वहां साउंड होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शब्द होता है फोनी। फोनी मतलब फेक, फेक यानी जो असली ना हो, उसे बोलते हैं फेक, नकली। फोनी मतलब नकली। अगर आप किसी को कहते हैं मैं उस व्यक्ति से मिला लेकिन वो फोनी था, यानी वो नकली था, धोखेबाज था, वो असली नहीं था, तो यहाँ साउंड से कोई मतलब नहीं है। जब भी हम कोई वर्ड रूट लेते हैं उससे शब्द बनते हैं, उन्हीं का मतलब उससे होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजी के दूसरे शब्द जिनमें उससे मिलते जुलता शब्द आए तो वो उसके दायरे से बाहर नहीं हो सकता, बाहर हो सकता है। तो थोड़ा सा कई बार आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में वर्ड आए फोनी, तो अपने आप ये नहीं समझ सकते इसका मतलब कुछ ना कुछ साउंड से रिलेटेड होगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है सिम्फोनी। जैसा मैंने बताया, सिन या सिम मतलब होता है एक साथ, एक जुटता दिखाता है। सिम्फोनी, फोन से बना फोनी यानी साउंड, सिम मतलब एक साथ, यानी कि कब ऐसा होता है कि जब एक साथ बहुत सारी आवाज़ें होती हैं। जब आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मान लीजिए कोई बांसुरी बजा रहा है और कोई जुगलबंदी कर रहा है साथ में तबला बजाकर, या कोई हारमोनियम बजा रहा है और वो सारे एक साथ साउंड आ रहे हैं बहुत सारे, तो एक म्यूज़िकल कंपोजिशन हो जाती है, उसे कहते हैं सिम्फोनी। यानी जब बहुत सारे साउंड एक साथ बजते हैं उसे बोलते हैं सिम्फोनी। अगला शब्द है सिम्टम। सिम्टम, SYMPTOM, कोई बीमारी का लक्षण, लक्षण को बोलते हैं सिम्टम। अब सिम्टम शब्द कैसे बना? सिम मतलब होता है साथ, टुगेदर, तो जो चीज़ बीमारी अपने साथ लेकर आती है वो है सिम्टम। जैसे अगर आपको टाइफॉइड हो गया, तो टाइफॉइड अपने साथ क्या लेकर आएगा? बुखार लेकर आएगा, यानी बुखार और टाइफॉइड टुगेदर आएंगे, साथ साथ आएंगे। तो जो चीज़ साथ आती है, बुखार टाइफॉइड का हो गया सिम्टम यानी लक्षण। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है? जैसे आप गणित पढ़ते हैं, गणित के अंदर आप सिमेट्री पढ़ते हैं, यानी दो ऐसे ही वस्तुएं जो एक साथ एक ही तरह से नापी जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई स्क्वायर है, अगर मैं इसे दो भागों में काट दूं, ये दोनों एक साथ एक जैसे हैं, यानी सिमेट्री है, तो ये दोनों एक साथ मेजर किए जा सकते हैं एक ही तरह से। सिनर्जी, सिनर्जी मतलब जब एक जुटता होती है, जैसे कहते हैं कि एक और एक 11 हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में एक सिनर्जी है, यानी एक जुटता, जो दो लोगों के
एक साथ होने से दोनों की जो क्वालिटी बढ़ जाती है उसे बोलते हैं सिनर्जी। इसके लिए एक और भी शब्द है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLE, याद रखिए PLI नहीं, PLE। किसी की जब आप तारीफ करते हैं तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो आई है, मैं बात कर रहा हूँ ई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो चीज़ें जब एक दूसरे की गुणवत्ता बढ़ाती हैं, एक दूसरे की क्वालिटी बढ़ाती हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट या सिनर्जी। तो जैसा मैंने बताया, सिन का मतलब तो है एक साथ, लेकिन एंट का मतलब है उल्टा यानी ऑपोजिट। जैसे सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है, एक साथ, यानी समानार्थी शब्द, क्योंकि उनका मतलब भी वही है तो वो भी सेम अर्थ साथ लेकर आएंगे। तो सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द और इसका उल्टा एंट, एंट मतलब ऑपोजिट, तो एंटोनिम मतलब ऑपोजिट यानी भिन्नार्थी शब्द, तो इसलिए इसको कहते हैं सिनोनिम और एंटोनिम। निम मतलब होता है नाम, नेम। अब जैसे देखते हैं एंट मतलब उल्टा, तो एंट से बना एंटी, एंटी का मतलब भी उल्टा। जैसे एंटीडोट, अगर आपको मान लीजिए कोई रोग हो जाए, कोई व्याधि हो जाए, बीमारी हो जाए, तो दवाई क्या है उसका, एंटीडोट। एंटी मतलब उल्टा, जो उसको ठीक करेगी, जो उसका उपचार करेगी, एंटीडोट है। यानी रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार। कहते हैं जहर जहर को काटता है, अगर आपने कोई जहर ले लिया तो उसके बदले में जो आप दूसरा जहर लेते हैं उसे बोलते हैं उसका एंटीडोट। जैसे विज्ञान में तीन तरह की ब्रांचेज होती हैं मेडिसिन की, एक होती है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक के अंदर हम जो हमारी प्रकृति से प्रकृति की जो चीज़ें हैं नेचुरल वो देते हैं। जैसे अगर आपके गले में कुछ हो गया तो आप चाय में अदरक डाल देंगे या चाय में हल्दी डाल देंगे, तो वो आयुर्वेदिक है। एक होती है एलोपैथी, यानी जो अंग्रेजी दवाइयां हम खाते हैं, पैरासीटामोल केमिकल खाते हैं, वो है एलोपैथी। और एक होती है होम्योपैथी। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, होम्योपैथी का सिद्धांत है एंटीडोट, यानी जहर जहर को मारता है, उसको बोलते हैं होम्योपैथी। मैंने आपको बताया था होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसा, उसे बोलते हैं होमो। और होमो से बना होम्योपैथी, यानी एक जैसा, यानी जहर के बदले जहर देना, उसे कहते हैं होम्योपैथी यानी एंटीडोट। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटी मतलब क्या है, उल्टा। बायोटिक क्या होता है, बायो मतलब होता है जिंदा। अगर कोई जिंदा चीज से आपको व्याधि रोग हो जाए तो आप एंटीबायोटिक खाएंगे। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर आपके अंदर घुस गया, कोई वायरस घुस गया, तो ये जिंदा चीज़ है। जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ आप जो दवाई खाओगे, पेनिसिलिन खाओगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रा साइक्लिन क्लोरमफेनिकोल, ये सब क्या हैं, एंटीबायोटिक हैं। तो जिंदा चीज़ क्या है यहाँ पे, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके खिलाफ जो दवाई है वो है एंटीबायोटिक। एंटी फ्रीज, फ्रीज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जम जाना, लेकिन एंटी फ्रीज मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो जमने ना दे। जैसे गाड़ियों का जो इंजन है, हम उसमें एक खास तरह का तेल डालते हैं, खास तरह का लिक्विड डालते हैं, जो गाड़ियों के इंजन को सर्दियों में फ्रीज नहीं होने देता। एंटी परस्पिरेंट यानी जो परस्पिरेशन मतलब होता है पसीना आना, शरीर से पसीना आना, तो एंटी परस्पिरेंट होगा जो शरीर से जो पसीना आता है उसके खिलाफ लड़े, परस्पिरेशन के खिलाफ लड़े, एंटी परस्पिरेंट। एंटी सोशल, अगर मैं लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करता, मैं सोशल नहीं हूँ, तो मैं हूँ एंटी सोशल। मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ, मैं बहिर्मुखी नहीं हूँ, अंतर्मुखी हूँ, यानी एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हूँ। वो लोग जो लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं, खुलकर दूसरों के सामने रखते हैं, उन्हें कहते हैं बहिर्मुखी यानी एक्स्ट्रोवर्ट। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते, अपनी जो भावनाएं हैं दूसरों को दिखाना पसंद नहीं करते, उन्हें बोलते हैं अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। जनरली जो इंट्रोवर्ट हैं वो एंटी सोशल रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, वो है ग्रेगेरियस। तो एंटी सोशल और ग्रेगेरियस एक दूसरे के भिन्नार्थी शब्द होंगे। एंटासिड,
एंट मतलब एंटी उल्टा, एसिड मतलब पेट में जो अम्ल बनता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो खाने को पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। तो एंट एसिड, कई बार ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम खाते हैं एंट एसिड यानी कि बेस, यानी कि हम शार लेते हैं, जैसे इनो, हम इनो खाते हैं तो वो एसिड को ख़त्म करता है। अगला शब्द है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंट मतलब उल्टा, मैंने बताया विपरीत। अगर आप किसी व्यक्ति के विचारों का खंडन करते हैं, उस व्यक्ति के विचारों को ओपोज करते हैं, आपके विचार उससे नहीं मिलते, आप उसके विचारों को काटते हैं और उसके, जिसे कहते हैं कि आप उसकी बातों का प्रतिरोध करते हैं, तो उसे बोलते हैं एंटागोनिज्म, यानी एंटागोनिस्ट हैं आप उसके उल्टे हैं, उस व्यक्ति के निंदक हैं, तो उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटीसेप्टिक, सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन, बॉडी में सेप्सिस बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो इन्फेक्शन को ख़त्म करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी ग्रोथ को ना होने दे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, पैथो मतलब होता है फीलिंग, या पैथो मतलब सफरिंग भी हो सकता है। फीलिंग तो होता ही है लेकिन सफरिंग भी होता है। सफरिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई बीमारी हो जाए तो उसे बोलते हैं पैथो। जैसे कभी आप अपनी बीमारी को चेक कराने जाते हैं तो पैथोलॉजी लैब जाते हैं, जहाँ पे आप शुगर टेस्टिंग करवाते हैं, जहाँ पे आप मल मूत्र की जाँच करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये सारी जगह कहाँ पे होती हैं, ये सारी चीज़ पैथोलॉजी लैब। क्यों? पैथो मतलब डिजीज़ या बीमारी, व्याधि, सफरिंग जिसे कहते हैं। लेकिन पैथो का मैंने एक मतलब और बताया था, फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। तो एपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी और टेलीपैथी, ये सारे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और पैथोलॉजी क्या होती है, जब हम बीमारियों की स्टडी करते हैं, लॉजी मतलब किसी चीज़ को पढ़ना और पैथो मतलब सफरिंग, तो सफरिंग्स की स्टडी यानी बीमारी की स्टडी यानी पैथोलॉजी। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, लिखना, जैसा मैंने बताया ग्राफ या ग्राम दोनों का मतलब लिखना। मैंने आपको एक शब्द बताया था टेलीग्राम, टेली मतलब फार, दूर, और ग्राम मतलब लिखना, दूर लिखना यानी टेलीग्राम। ऑटो मतलब होता है खुद, सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कोई चीज़ कब होती है, जब वो खुद अपना काम करती है यानी स्वचलित होती है, खुद चलती है तो ऑटोमेटिक। ऑटो मतलब खुद। और बायो, जैसा मैं बता चुका हूँ, बायो मतलब जीवन, जिसमें जीवन हो वो है लिविंग यानी बायो। अब पहला शब्द कैकोग्राफी, कैको मैंने बताया था, कैको बना कैकोस से, मतलब जब कुछ अच्छा ना हो, ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफी मतलब लेखनी, तो कैकोग्राफी क्या हो गया, बैड हैंड राइटिंग, जब आपकी लेखनी, आपकी जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही गंदा हो, वो है कैकोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब होता है किताब, तो बिब्लियोग्राफी हो गई द रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट और बुक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बुक खोलते हैं तो उसमें उस लेखक की लिखी हुई दूसरी किताबों का पूरा एक वर्णन होता है एक पेज पर, वो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी यानी जो भी किताब यूज होती हैं उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। या फिर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, उस जर्नल को लिखने के लिए आपने जिन किताबों का इस्तेमाल किया, बिब्लियो मतलब बुक और ग्राफ मतलब लिखना, तो जो किताबें लेखनी में यूज़ हुई वो बिब्लियोग्राफी। अगर मैं आपको बोलूँ बिब्लियो फाइल का मतलब क्या होता है, बिब्लियो मतलब बुक, फाइल मतलब किसी चीज़ को प्यार करना, किसी चीज़ को पसंद करना या अट्रैक्शन, तो जो व्यक्ति किताबों को पसंद करता है वो है बिब्लियो फाइल। बायोग्राफी क्या हो गई, बायो मतलब जीवन, जीवित कोई चीज़ है, ग्राफ मतलब लिखना, किसी जीवित व्यक्ति के बारे में लिखना वो हो गई बायोग्राफी, बेसिकली किसी व्यक्ति के बारे में लिखना। अगर किसी मृत व्यक्ति के बारे में भी आप लिखते हो, पर क्योंकि वो जिंदा था एक समय, वो बायो था यानी लिविंग था, तो वो भी हो गई बायोग्राफी। अब अगर मैं बायोग्राफी के आगे लगा दूँ ऑटो, ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटो मतलब खुद यानी खुद अपने बारे में लिखना यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। लिथो मतलब होता है पत्थर, जैसे हमारी जो जमीन है, जमीन का ज़्यादातर हिस्सा तो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन जहाँ पर चट्टान है उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी जो कठोर हिस्सा है जमीन का उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथो मतलब क्या होता है, लिथो मतलब चट्टान या पाषाण, स्टोन। तो लिथोग्राफ क्या हो गया, ग्राफ मतलब लिखना, लिथो मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर लिखना यानी लिथोग्राफ। जैसे आप कई पुरातत्व जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें, वहाँ जाओगे तो पत्थरों पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं पुरानी, वो क्या हैं, लिथोग्राफ। अगर मैं आपको बोलूँ मोनोलिथ क्या होता है,
तो ध्यान से सुनिए, लिथ मतलब पत्थर, लिथो से बना लिथ, और मोनो मतलब क्या होता है, अकेला। जैसे कई बार कहते हैं मोनोप्ले, मोनोप्ले यानी अकेले, जब आप कोई एक्टिंग करते हैं तो वो है मोनोप्ले। तो मोनो मतलब अकेला, तो मोनोलिथ क्या हो गया, अकेला पत्थर, यानी जब कोई एक ही पत्थर से बनाई हुई चीज़ होती है उसे बोलते हैं मोनोलिथ। जैसे भारत में बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो एक ही पत्थर से बनाई गई हैं। मान लीजिए आप कोई स्टैचू बनाते हैं किसी महापुरुष का, पर एक ही पत्थर को काट के बनाते हैं, एक ही पत्थर को तराश कर बनाते हैं, तो वो हो गया मोनोलिथ। और मेगा, मेगा मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, विशाल जब कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होती है वो है मेगा। तो मेगालिथ क्या हो गया, बहुत ही बड़ा पत्थर, बहुत ही बड़ा पत्थर, उसे बोलते हैं मेगालिथ। लिथोलॉजी क्या हो गई, लिथोलॉजी हो गई पत्थरों की स्टडी या पाषाणों की स्टडी, रॉक्स चट्टानों की स्टडी हो गई लिथोलॉजी। लॉजी मतलब पढ़ाई किसी चीज़ की, और लिथोस्फीयर हो गया जमीन का रॉकी यानी जो चट्टान वाला पार्ट है वो हो गया लिथोस्फीयर। फोटो मैंने बताया था, फोटो मतलब होता है प्रकाश, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था फोटोसिंथेसिस। अब ग्राफ मतलब होता है लिखना, फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश की मदद से लिखना यानी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी बिना लाइट के हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो। फोटो मतलब प्रकाश की मदद से जो लिखना, और क्या लिखते हैं इसमें आप, जो सामने देखते हैं वो प्रकाश की मदद से लिख देते हैं यानी फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी जो करे फोटोग्राफर। अगला शब्द है फोटोमीटर। फोटो जैसा मैंने बताया, फोटो का मतलब होता है लाइट, और मीटर का मतलब होता है एक नापने की इकाई। वैसे मीटर शब्द बना मैट्रिक से, यानी किसी चीज़ को नापना, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे शब्द बने हैं मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन मतलब किसी चीज़ को नापना। आप जैसे जैसे मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं मेंसुरेशन, क्योंकि उसमें आप चीज़ों को नापते हैं यानी उन्हें मेंसर करते हैं। तो MENSURE, मेंसर मतलब नापना, और इसीलिए इसे कहते हैं ज्योमेट्री। मेट्री मतलब अगेन नापना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप नाप ही ना पाएं तो वो है इमेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगत सिंह का हमारी स्वतंत्रता मिलने में योगदान कितना था, तो क्या आप उसे नाप सकते हैं? नहीं, वो था इमेंस, इतना ज़्यादा कि नापा ही नहीं जा सकता, इतना बड़ा, इतना विशाल काय, इमेंस। मेंस मतलब नापना, आगे इम लगा दिया, मतलब हो गया उल्टा, यानी इमेंस मतलब जिस चीज़ को नापा ना जा सके। सो फोटोमीटर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रकाश की प्रकाश कितना तेज़ है, कितनी इंटेंसिटी है, उसे नापने के काम आए। फोटोजेनिक, फोटोजेनिक, फोटो मतलब होता है लाइट, तो ऐसा व्यक्ति जो लाइट में यानी कि फ़ोटो के अंदर अच्छा लगे। जैसे कई बार कहते हैं कि मेरा चेहरा फोटोजेनिक है, यानी कोई भी मेरी अगर फ़ोटो खींचता है तो वो काफ़ी अच्छी आती है, यानी फोटोजेनिक, समवन हु लुक्स गुड इन फोटोज। फोटोन, बिजली या जो लाइट है, लाइट का कोई भी तत्व यानी कोई भी छोटा सा पार्टिकल, उसे कहते हैं फोटोन। इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पैक्ड होती है, तो फोटोन को हम एनर्जी पैकेट भी बोल सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की मदद से जो पौधे खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैलॉस, कैलॉस का मतलब होता है खूबसूरती, ब्यूटी। और ग्राफी, मैंने कहा था लिखना, लेखनी, ग्राफ, ग्राम, ग्राफी, तो कैलॉस, जिस तरह वर्ड था कैकॉस, कैकॉस मतलब कुछ भी भद्दा, जो खूबसूरत ना हो, गंदा, कैकॉस, जिससे वर्ड बना था कैको। तो अगर कैकोग्राफी था बदसूरत हैंडराइटिंग, जो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, जैसे कई डॉक्टर लिखते हैं, कैकोग्राफी, तो कैलीग्राफी मतलब क्या होगा, कैलॉस का मतलब होता है ब्यूटी, खूबसूरती, तो कैलीग्राफी होगा बहुत ही खूबसूरत लिखना, बहुत ही खूबसूरत तरीके की हैंडराइटिंग, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। तो कैकोग्राफी का उल्टा है कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैंने आपको बताया था मोनो, जैसे मोनो एक्टिंग, मोनो प्ले, मोनो एक्टिंग मतलब जब कोई व्यक्ति अकेला खड़ा होकर एक्टिंग करता है। मोनो और सोलो, सोलो का मतलब भी होता है अकेला, जैसे सोलो कोई म्यूजिक गाता है, सोलो, सोलो मतलब वो अकेला गा रहा है, तो सोलो मतलब अकेला गाना। सोलो और मोनो का मतलब, दोनों का मतलब वन या सिंगल या अकेला। तो मोनोपोली क्या होगा, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एकाधिकार मतलब अगर मान लो कोई विलेज है, कोई गांव है, और वहां पर एक ही दुकान है जहां से सारा सामान मिलता है, तो उसकी मोनोपोली हो गई यानी एकाधिकार हो गया, कंट्रोल बाय वन।
मोनोलॉग क्या हो गया, मोनो मतलब एक, लोग मतलब लिखना, लॉजी, लॉजी मतलब किसी चीज की पढ़ाई, और किसी चीज की पढ़ाई कैसे हो सकती है, या तो लिखकर या बोलकर। तो मोनोलॉग मतलब जब कोई व्यक्ति अकेला स्पीच देता है, तो स्पीच को हम मोनोलॉग भी बोलते हैं। मोनो मतलब अकेला, लोग मतलब लिखना या बोलना, तो मोनोलॉग में हम उच्चारण, अकेला व्यक्ति जब खड़ा होकर स्पीच देता है उसे बोलते हैं मोनोलॉग। मोनोटोनस, मोनो मतलब एक, टोनो, टोनो शब्द बना टोन से, टोन अगर रोज एक ही टोन आप सुनते हैं, कोई एक ही चीज टोन, तो वो हो गया मोनोटोनस, आप उससे बोर हो जाएंगे। तो मोनोटोनस मतलब बोरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोज एक ही तरह की दाल खाते हैं तो आप उससे 7-8 दिन के अंदर ही बोर हो जाएंगे, यानी वो मोनोटोनस हो जाएगा, मोनोटोनस एक ही टोन में। मोनोसिलेबल मतलब एक ही सिलेबल, एक ही अक्षर। मॉन्क, मॉन्क बोलते हैं ब्रह्मचारी को, मॉन्क जिसे हम योगी भी कह देते हैं, जो सारे जो सांसारिक सुख है उन्हें छोड़ के जो मेटाफिजिक्स है या जो सामने नहीं है उसकी तरफ जाता है, भगवान की प्राप्ति के लिए जाता है। तो जो व्यक्ति अकेला अकेला जीवन व्यापन करना चाहता है तो उसे बोलते हैं मॉन्क। मॉन्क बना मोनो से, मोनो मतलब अकेला, ब्रह्मचारी हमेशा अकेला रहता है, गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाता है, यानी मॉन्क। मोनार्क, मोनार्क मतलब एक रूलर, ये बहुत अच्छा शब्द है। आर्क मतलब क्या होता है, रूलर, आर्क। अब अगर मैं कहूं किसी देश में एनार्की फैली हुई है, मतलब क्या है, मतलब ये है, एन मतलब क्या है, अगर मैं किसी चीज के आगे एन लगा दूं मतलब उल्टा, एन आर्क, यानी उस देश में रूलर नहीं है। और जिस देश में रूलर नहीं होगा, रूलर का काम क्या होता है, देश को डिसिप्लिन के अंदर रखना। एनार्की मतलब बिल्कुल जहां डिसिप्लिन नहीं होता उसको कहते हैं एनार्की, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ दंगे, इस तरह का जब माहौल होता है उसे कहते हैं एनार्की। इसी तरह से आर्क मतलब रूलर, तो अगर मैं बोलता हूं पैट्रियार्क, पैट्रियार्क मतलब घर में जो मर्द होता है रूलर, उसको बोलते हैं पैट्रियार्क। इसी तरह अगर मैं बोलूं मैट्रियार्क, यानी घर में जो महिला होती है हेड, उसे बोलते हैं मैट्रियार्क। आर्क मतलब रूलर या सबसे जो ऊपर का व्यक्ति होता है उसे आर्क बोलते हैं। अगर मैं बोलूं भारत में जनरली जो घर होते हैं वहां पे रूलर कौन होता है या वहां पे घर का हेड कौन होता है, पैट्रियार्क या मैट्रियार्क, मतलब हमारी सोसाइटी, हमारा समाज कैसा है, पैट्रियार्कल है कि मैट्रियार्कल है, तो हमारा समाज पैट्रियार्कल है क्योंकि भारत में ज्यादातर घरों में जो हेड होता है वो मेल होता है, तो इसलिए हमारी सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल। हमारी ही नहीं, ज्यादातर कंट्रीज में सोसाइटी है पैट्रियार्कल। मोनार्की क्या होता है, मोनो मतलब एक, आर्की मतलब राजा, यानी जब गवर्नमेंट चलती है जिसमें एक ही रूलर होता है उसे बोलते हैं मोनार्की, और एक ही राजा जब होता है, राजा के लिए हम शब्द यूज कर देते हैं मोनार्क। मोनार्क मतलब किंग या रूलर, और मोनार्की मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक ही राजा होता है उसे बोलते हैं मोनार्की। अगला शब्द है काइन या साइन, साइन या काइन, इसका मतलब होता है मूवमेंट। फॉर एग्जांपल काइन, अब ध्यान से देखिए शब्द, टेलेकाइनेसिस, टेलेकाइनेसिस, काइनेसिस बना काइन से, यानी मूवमेंट, जब कोई चीज मूव करती है, चलती है, हिलती डुलती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दूरी कवर करती है, तो काइनेसिस हो रहा है। और टेले मतलब मैं बता चुका हूं, यानी दूरी, तो अगर कोई चीज दूरी ट्रेवल करती है तो उसे बोलते हैं टेलेकाइनेसिस। जैसे कई बार हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने कई बार हैरी पॉटर की पिक्चर देखी होगी, अगर हैरी पॉटर इस रूम में यहाँ पे है तो वो अपनी जादुई ताकतों से अगले ही सेकंड किसी और देश में प्रकट हो जाता है, या ऐसे और भी तरह के उदाहरण हैं जब जादू से आदमी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, यानी दूर पहुंचा, यानी दूर उसने मूवमेंट की, यानी टेलेकाइनेसिस किया। तो जब आप अपनी पावर ऑफ द माइंड से ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं उसे कहते हैं टेलेकाइनेसिस। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या पर्सन भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलेकाइनेसिस। काइनेटिक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मूवमेंट से रिलेटेड हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी, हमारी दो तरह की एनर्जी मेन होती है, एक जो ऐसी वस्तु में होती है जो हिल डुल नहीं रही, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और अगर ये वस्तु हिलना शुरू कर दे तो उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर कोई चलती हुई गाड़ी है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक मतलब रिलेटिंग टू और मूवमेंट ऑफ बॉडीज। इसी तरह काइनेजियोलॉजी, काइनेजियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट को, यानी कोई व्यक्ति किस तरह से चलता है उसको बोलते हैं काइनेसियोलॉजी। काइनेस्कोप,
काइनेस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जो मूवमेंट की पिक्चर्स दिखाती है, उसे बोलते हैं काइनेस्कोप। तो ये सारे शब्द बने काइन से। सिनेमा, सिनेमा मैंने बताया था सिने या साइन या सिने, तो हम इंग्लिश में से सिने प्रोनाउंस करते हैं। सिने मतलब चलचित्र, जैसे चलती हुई चीज, मूवमेंट, इसीलिए सिनेमा मतलब होता है चलचित्र यानी मोशन पिक्चर, मोशन पिक्चर या चलचित्र। सिनेमाटोग्राफर कौन हो गया? जो चलती हुई पिक्चरों का यानी चलचित्र जो खींचता है वो हो गया सिनेमाटोग्राफर। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छा शब्द बताया था टेलीविजन, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है, हम सब ने टीवी देखा है। टेलीविजन, टेले मतलब दूर, विजन मतलब देखना, आपकी आंखों का विजन कितना है। कोई कहता है मेरी आंखों का विजन 6x6 है, यानी एकदम मेरी आंखें चुस्त हैं, एकदम अच्छी हैं। टेलीविजन, विजन मतलब देखना, तो विजन मतलब देखना, देखने की शक्ति। विजुअल, विजन से बना विजुअल, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देखते हैं उसे कहते हैं विजुअल। आपने अगर मान लीजिए कोई वीडियो देखा तो वो भी एक विजुअल है। आपने YouTube पे कोई वीडियो देखा तो आप ये भी बोल सकते हैं मैंने एक विजुअल देखा। विजुअल देखना यानी कोई भी चलचित्र को देखना, चलती फिरती पिक्चर को देखना यानी विजुअल। और विजुअल ये एडजेक्टिव है और विजुअल एक नाउन भी होता है। तो नाउन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को देखना, पिक्चर को देखना, वीडियो को देखना। लेकिन अगर मैं इसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करूँ तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो चलती हुई चीज़ से रिलेटेड हो, देखने से रिलेटेड हो, विजुअल। और विसाज, अगेन विजन से बना विसाज, यानी अगर मान लीजिए एग्जाम में शब्द आ जाए विसाज और इसका मतलब आपको नहीं पता, पर आपको इतना पता है कि विस इससे मिलते जुलते शब्द क्या है, विजन, यानी विजन से रिलेटेड हो सकता है। तो यही फायदा होता है जब आप वोकेबुलरी को इटाइमोलॉजी के थ्रू याद करते हैं, वर्ड रूट्स के थ्रू याद करते हैं। विसेज या विसाज का मतलब होता है कोई व्यक्ति, उसका चेहरा कैसा है, उसका चेहरा आकर्षक है, आकर्षक नहीं है, वो व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है। विसाज के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स भी मतलब होता है बाहर से कोई कैसा दिखता है, उसे बोलते हैं एस्थेटिक्स। तो विसाज मतलब एक व्यक्ति का चेहरा कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसके फीचर्स कैसे हैं फेस के, तो वो सब है विसाज। इसी तरह विजिबल, अगेन ये सब शब्द बने हैं विजन से, कोई भी ऐसी चीज जिसे देखा जा सके वो है विजिबल, और यानी कि दृश्य। और अगर कोई अदृश्य है तो मतलब इनविजिबल। शब्दों के आगे अगर मैं इन, एन, ए ये सब लगा देता हूँ तो मतलब उनका उल्टा हो जाता है। तो इनविजिबल मतलब जो जिसे देखा नहीं जा सके यानी अदृश्य। एडवाइस, एडवाइस मैं अगर किसी को एडवाइस देता हूँ, यानी एडवाइस में भी छुपा है विस, यानी मेरा जो देखने का तरीका है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, यानी जिस तरह चीज़ों को मैं सी करता हूँ, विस करता हूँ या देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एडवाइस दे रहा हूँ। विस्ता, आपने बीच में सुना होगा विंडोज़ विस्ता आई थी, एक माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ विस्ता। विस्ता मतलब एक खूबसूरत नज़ारा, जैसे मान लीजिए आप कहीं बहुत दूर देख रहे हैं और आपको दो पेड़ लगे हुए हैं और दो पेड़ों के बीच में से कोई आप किसी बादल को देख रहे हैं, तो एक खूबसूरत नज़ारा, एक नैरो व्यू, एक छोटे से छेद से, अगर आप मान लीजिए किसी बंद कमरे में कैद है और वहां से एक छोटा सा कमरे के अंदर छेद है, उस छेद से आप बाहर का नज़ारा देखते हैं तो नैरो व्यू, प्लीजिंग व्यू, उसको कहते हैं विस्ता। एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसे कहते हैं विजा वी। याद रखिए विस आ विस नहीं है ये, इसको प्रोनाउंस, इसका उच्चारण किया जाता है विज, ज, ज, जेड साउंड है इसके अंदर, विजा वी, और ये वाला एस प्रोनाउंस ही नहीं होता है, तो इसको प्रोनाउंस आप ऐसे करेंगे विज, वी आई जेड ए वी, विजा वी। विजा वी मतलब होता है फेस टू फेस, जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि भारत की जो फिल्में हैं वो जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, यानी जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो हॉलीवुड की फिल्मों से ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप कहेंगे बॉलीवुड मूवीज आर बेटर विजा वी हॉलीवुड मूवीज, यानी आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस दोनों की भिंडत करवा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगला है वीज़ा। वीज़ा क्यों बोलते हैं वीज़ा को? विस मतलब देखना, अगर आपको दूसरे देश देखने की परमिशन मिल जाए तो आपको मिल गया विस आ यानी वीज़ा। एनविजन, एनविजन मतलब जब आप कोई चीज़ पहले ही देख लेते हैं, जब आप फोरसी कर सकते हैं किसी चीज़ को, किसी के एक तरह से कहा जाए तो किसी के दिमाग के अंदर देखना, एनविजन करना चीज़ों को, एनविजन। जब भी वर्ड आएगा एन यानी मतलब ढका हुआ, जैसे लिफाफे को बोलते हैं एनवेलप, तो एन मतलब होता है किसी चीज़ का ढकना, किसी चीज़ को सराउंड करना, तो एनविजन मतलब जब आप किसी के विजन के अंदर देख पाते हैं तो उसे बोलते हैं एनविजन, यानी कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है आपको जब ये पता चल जाता है तो आप एनविजन कर पा रहे हैं। एविडेंट, एविडेंट मतलब क्या होता है?
एविडेंट मतलब जो चीज़ आसानी से दिख जाती है उसे बोलते हैं एविडेंट, यानी जो चीज़ विस आसानी से हो जाती है उसे बोलते हैं एविडेंट। और इसीलिए एविडेंट जो चीज़ है उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं एविडेंस यानी सबूत के तौर पे। एविडेंस क्या है? वो चीज़ जिसे हर कोई आसानी से देख सकता है, यानी सबूत। सबूत को हर कोई आसानी से देख सकता है अगर वो एक बार प्रस्तुत कर दिया जाए तो। आइए कुछ और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड रूट्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला है बेन, बेन या बेने या बो, और सबका मतलब होता है बहुत ही अच्छा। जब यहाँ पर हम अच्छे की बात कर रहे हैं तो ये कोई भी चीज़ अच्छी हो सकती है, या तो किसी पर्सन के इंटेंशन यानी उसका व्यवहार, या फिर कोई व्यक्ति खुद। याद रखिए मैंने आपको पहले कहा था कि गुड और वेल के लिए, अच्छे के लिए एक और वर्ड रूट होता है जिसे बोलते हैं यू। इसको ई यू लिखते हैं पर प्रोनाउंस करते हैं यू, तो ये हो गया यू। तो जैसे मैंने कुछ वर्ड बताए थे यूलॉजी, यूथेनीसिया एट्सेट्रा, तो बेन, बेने या बो मतलब भी यू। अब सबसे पहला शब्द है बेनेडिक्शन। इसमें सबसे पहला जो शब्द आप कर सकते हैं वो है बेनेवोलेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। बेनेवोलेंट अच्छा व्यक्ति, बेनेवोलेंट मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति, जिसके मन में दूसरों के प्रति दया है, दूसरों के प्रति काइंडनेस है, उदारता है, दीनता नम्रता से सबसे बात करता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का अच्छा चाहता है उसको बोलते हैं बेनेवोलेंट। यानी बेनेवोलेंट हो गया काइंड पर्सन, और काइंड मतलब दया, दयालु, काइंड पर्सन, पर्सन तो दयालु हुआ। लेकिन अगर मैं लिखूं बेनेवोलेंस, तो बेनेवोलेंस मतलब हो गया काइंडनेस, यानी जिस पर्सन के पास काइंडनेस यानी दया है वो है दयालु, यानी जिसके पास बेनेवोलेंस है वो है बेनेवोलेंट। और बेनेडिक्शन क्या होता है? बेनेडिक्शन होता है, बेने मतलब अच्छा और डिक्शन मतलब कुछ बोलना, कुछ किसी चीज़ का उच्चारण करना। जैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हम उसके में हम डायलेक्ट यूज़ करते हैं, हम डिक्शन करते हैं, इसीलिए शब्द जहाँ पे लिखे होते हैं उसे बोलते हैं डिक्शनरी। तो बेनेडिक्शन मतलब द एक्ट ऑफ प्रेइंग फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन। बेसिकली बेनेडिक्शन मतलब होता है चाहे अपने लिए चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, अच्छे शब्द बोलना दूसरे के लिए, उसको बोलते हैं बेनेडिक्शन। अब बेने मतलब होता है अच्छा। अगर आप बेनिफिशियरी हैं, ध्यान से सुनिए, दो शब्द हैं बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी। बेनिफैक्टर होता है जो तुम्हारी मदद करेगा, बेने मतलब अच्छा, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर मतलब जो आपकी हेल्प करेगा। बेनिफैक्टर खासकर हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आर्थिक तौर पर आपकी मदद करता है, लेकिन ये मदद किसी भी तरह की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, वो व्यक्ति है बेनिफैक्टर। यानी बेनिफैक्टर वो व्यक्ति है जो आपकी हेल्प करेगा, और बेनिफिशियरी आप हैं क्योंकि उसकी जो हेल्प है उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। आई होप आपको ये बेने के शब्द क्लियर हो रहे होंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेनिफिट मतलब लाभ, बेनिफिट, बेने, अगेन बेने मत पॉजिटिव, बेनिफिट मतलब लाभ, बेनिफिट जो आपको करे वो है बेनिफैक्टर, और जिसको बेनिफिट हो वो है बेनिफिशियरी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके कोई सगे संबंधी हैं, बहुत बूढ़े हैं, और वो आपके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा अपनी जायदाद में छोड़ जाते हैं, तो वो हैं बेनिफैक्टर, आप हैं बेनिफिशियरी और जायदाद है आपका बेनिफिट। तो आई होप आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा सारे शब्दों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। बेनाइन, देखिए दो तरह के सिचुएशन होते हैं हमारी लाइफ में, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। कैंसर भी दो तरह के होते हैं। कैंसर जो भयानक रोग होता है जिसमें कोशिकाएं बहुत व्यापक रूप से बढ़ती हैं बॉडी के अंदर और फैल जाती हैं। अब कैंसर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। अब जैसे बेने का मतलब है अच्छा, बिल्कुल इसका उल्टा शब्द है मैल। मैल मतलब खराब, MAL, मैल, ये वर्ड रूट है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कुपोषण को क्या बोलते हैं? मैल न्यूट्रिशन। अगर किसी भी शब्द के आगे मैं मैल लगा दूंगा या मिस लगा दूंगा या डिस लगा दूंगा, DYS, मैं रिपीट करता हूँ, मैल, MAL, MIS, मिस या DYS, डिस, मतलब वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। तो मैल जैसे मैल न्यूट्रिशन, मिस मतलब जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट, जैसे डिसफंक्शनल, डिस्टोपिया एट्सेट्रा। मैल मतलब नेगेटिव। अब मैल इसी से समझ जाइए, मैलिग्नेंट मतलब कोई नेगेटिव वर्ड है। मैलिग्नेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल,
किसी चीज़ से अगर आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, खतरनाक चीज़, उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो कैंसर दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। अब बताइए कैंसर इसमें खतरनाक कौन सा वाला है, बेनाइन कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर? आंसर है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। कैंसर के फैलने को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, METASTASIS, मेटास्टेसिस। और बेनाइन होता है जो हार्मलेस हो, क्योंकि मैलिग्नेंट का उल्टा क्या होगा, बेनाइन, और बेन मतलब अच्छा। तो अच्छा कैंसर मतलब एक ऐसा कैंसर जो फैले ना, हार्मलेस। और हार्मलेस के लिए हम अंग्रेजी में एक शब्द यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं इनोक्यूअस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इनोक्यूअस, INOCUOUS, इनोक्यूअस मतलब ऐसी चीज़ जिससे आपको खतरा ना हो। लेकिन ऐसी चीज़ जिससे आपको खतरा हो यानी मैलिग्नेंट, उसे बोलते हैं ओमिनस, OMINOUS। तो दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनोक्यूअस मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे खतरा ना हो, और ओमिनस मतलब खतरनाक। और कोई भी ऐसी चीज़ जो खतरनाक है, जिससे आपको खतरा है, तो खतरे को बोलते हैं थ्रेट, थ्रेट, या सिंपल भाषा में बोल सकते हो डेंजर। डेंजर मतलब खतरा, थ्रेट मतलब खतरा। और अगर किसी चीज़ से खतरा है तो वो बन जाती है थ्रेटनिंग। तो पहले लिखिए थ्रेट और फिर लिखिए अनिंग, थ्रेटनिंग यानी खतरनाक यानी ओमिनस। तो ओमिनस और थ्रेटनिंग हो गए समानार्थी शब्द, और मैलिग्नेंट और थ्रेटनिंग भी हो गए समानार्थी शब्द, लेकिन इनोक्यूअस और थ्रेटनिंग हो गए ऑपोजिट शब्द यानी एंटोनिम्स। बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट होता है अच्छा करना, डूइंग और प्रोड्यूसिंग गुड, कुछ अच्छा करना यानी बेनिफिसेंट। बोनाफाइड, अब देखिए मैंने कहा था बेन या बो मतलब अच्छा, और फिडे मतलब क्या होता है, फिडे मतलब होता है विश्वास। ध्यान से सुनिए, FIDE, फिडे मतलब होता है विश्वास। तो बोना फिडे मतलब अच्छे विश्वास में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, आपको कोई अच्छा डॉक्यूमेंट देना है, तो मैं उस डॉक्यूमेंट पे विश्वास करूंगा यानी बोनाफाइड। इसलिए कहते हैं कई बार बोनाफाइड बनवा लीजिए, बोनाफाइड यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर विश्वास किया जा सके। बोना, बो मतलब अच्छा, और फिडे मतलब होता है ट्रस्ट या विश्वास। इन गुड फेथ, ऑथेंटिक, जेन्युइन चीज़ जिस पर विश्वास किया जा सके, असली चीज़। बॉम वोयाज, बॉम मतलब अच्छा, वोयाज मतलब होता है यात्रा, तो बॉम वोयाज मतलब हैव अ गुड ट्रिप, हैव अ नाइस ट्रिप। फेम, PHEM, फेम मतलब होता है बोलना, कहना या बोलना। इसी तरह से लॉक, LOC, लॉक का मतलब भी होता है बोलना, और VOC, लॉक, वॉक का मतलब भी होता है बोलना। मैं रिपीट करता हूँ, फेम, ये तीन वर्ड रूट्स हैं, एक है LOC, लॉक, एक है PHEM, फेम, और एक है VOC, वॉक। लॉक मतलब बोलना, वॉक मतलब बोलना, और फैम मतलब भी बोलना, और EU मतलब अच्छा। तो यू फैमिज्म मतलब किसी के बारे में अच्छा बोलना, यू फैमिज्म अच्छा बोलना, मतलब किसी के बारे में एम्बेरसिंग नहीं बोलना, इंसल्टिंग नहीं बोलना। मैंने आपको बताया था यू फैमिज्म, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था अंधे और सूरदास वाला, यानी किसी के बारे में अगर कुछ आपको बोलना हो तो पोलाइटली बोलना। अगला है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी मतलब किसी का, किसी धार्मिक या किसी ऐसी चीज़ का अपमान कर देना जो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हो, सम्मानजनक हो, उसका अपमान कर देना। जैसे अगर मान लीजिए कोई धार्मिक किताब के कोई पैर लगा रहा है तो वो ब्लास्फेमी कर रहा है। तो ब्लास्फेमी मतलब बिल्कुल उल्टा, यूफेमिज्म का उल्टा है, यूफेमिज्म का उल्टा है ब्लास्फेमस। इसके लिए एक और शब्द बड़ा अच्छा है अंग्रेजी में जो बोलते हैं प्रोफेनिटी, प्रोफेन, प्रोफेन मतलब भी होता है कोई सम्मानजनक व्यक्ति या किसी वस्तु का अपमान करना। प्रोफेनिटी और ब्लास्फेमी, दे आर सिनोनिम्स। अगला है डिसफेमिज्म, डिसफेमिज्म भी है कोई बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना किसी व्यक्ति के लिए। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, उसे बोलते हैं डेरोगेटरी। और अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छा ना हो, अनप्लेजेंट, जो आपको अच्छा ना लगे उसे बोलते हैं अनप्लेजेंट, जैसे अनप्लेजेंट वेदर यानी कि हार्श वेदर। सो आई होप इन वर्ड्स में आपको जो फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। लॉक मतलब होता है बोलना, तो जो व्यक्ति बहुत बोले उसे बोलते हैं लोक्वेशियस, लोक्वेशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। और वॉक मतलब होता है बोलना, तो वॉक से बना वोकल, वोकल मतलब बहुत ज़्यादा, व्यक्ति जो किसी खास मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बोलता है उसे बोलते हैं वोकल। या फिर वोकल का एक और सिनोनिम है वोसीफेरस, वोसीफेरस भी वो व्यक्ति है जो बहुत ही स्पष्ट रूप से किसी मुद्दे पर बोलता है, उसे बोलते हैं वोसीफेरस। वोसीफेरस और वोकल आर सिनोनिम्स। तो जैसा मैंने बताया था मैल मतलब क्या होता है, MAL, मैल मतलब कुछ खराब, बैड या इविल, यानी मैल बेने का एकदम उल्टा है। तो मैंने आपको कहा था बेनेफैक्टर मतलब क्या होता है, बेनेफैक्टर मतलब जो आपका भला करेगा, बेनेफैक्टर। अगर कोई संबंधी आपके नाम जायदाद छोड़ गया तो वो बेनेफैक्टर है, तो मैलेफैक्टर क्या हो गया, उल्टा,
कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो क्राइम करे, वो है मैलेफैक्टर। मलाइन, मलाइन करना किसी को, यानी मलाइन करना यानी किसी चीज़ की इमेज खराब करना, किसी चीज़ की रेपुटेशन खराब करना, किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, यानी मलाइन। और ऐसी चीज़ होती है मैलिग्नेंट, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो। मलीस, मलीस मतलब किसी के लिए दिल में नफरत रखना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी अपने अंदर प्रवृत्ति रखना कि दूसरे को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, मेंटली, सोशली। मलीस यानी घृणा, घृणा का भाव रखना, उसे बोलते हैं मलीस। और मैलेफिसेंट, मैलेफिसेंट होता है जबरदस्ती, जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं मैलेफिसेंट। यानी कुछ किसी का गंदा करना, खराब करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, वो है मैलेफिसेंट। और जो व्यक्ति पहुंचाए नुकसान, वो है मैलेफैक्टर। जैसे बेनिफैक्टर होता है वो व्यक्ति जो फायदा पहुंचाता है, मैलेफैक्टर वो व्यक्ति होता है जो नुकसान पहुंचाता है। मैलेडिक्शन, अब मैंने कहा था बेनेडिक्शन क्या होता है, बेने मतलब अच्छा और डिक्शन मतलब उच्चारण, अच्छा बोलना किसी के लिए। मैलेडिक्शन मतलब या तो आप किसी के लिए अच्छा बोलेंगे या उसे आप कर्स करेंगे, यानी शाप देंगे, यानी गंदे वर्ड्स बोलेंगे। तो किसी को कर्स करना, किसी के बारे में गंदा बोलना, किसी के खिलाफ अभद्र शब्द बोलना, किसी का बुरा चाहने के लिए कुछ शब्द बोलना। कई लोग तो दूसरों की, दूसरों का बुरा हो ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो वो सब मैलेडिक्शन के अंदर आता है। मैल कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या होता है, CONTENT, कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, चाहे मेरे पास काफ़ी कम है, लेकिन मुझे जो असली धन है वो है संतोष धन, यानी संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसे बोलते हैं सेटिस्फैक्शन यानी कंटेंट। तो मेल कंटेंट क्या हो गया, वो व्यक्ति जो सेटिस्फाइड नहीं है, मेल मतलब नेगेटिव, तो मेल कंटेंट यानी वो व्यक्ति जो अपनी जीवन से या किसी भी सिचुएशन से खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। तो मैंने आपको कहा था डिस मतलब भी होता है नेगेटिव, तो वो DYS या DIS दोनों मतलब होता है नेगेटिव, इसी तरह मिस मतलब भी होता है नेगेटिव। मेल एड्रॉइट, एड्रॉइट शब्द का मतलब होता है निपुण या कुशल। अगर आप किसी काम में बहुत ज़्यादा कुशल हैं, बहुत ज़्यादा निपुण हैं, आपके अंदर टैलेंट है उस काम को करने का, तो आप एड्रॉइट हैं। कोई गाड़ी चलाने में एड्रॉइट होता है, कोई पेंटिंग करने में एड्रॉइट होता है, कोई दौड़ने में एड्रॉइट होता है, लेकिन मैं इसके आगे लगा दूं मेल एड्रॉइट। मेल एड्रॉइट मतलब वो व्यक्ति जो एड्रॉइट नहीं है, जिसमें कोई कुशलता नहीं है, निपुणता नहीं है, जिसमें कोई स्किल नहीं है, स्किल कोई टैलेंट नहीं है। मैलिग्नेंट मैं बता चुका हूँ। मेल फॉर्मेशन, मेल फॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ जब खराब बनती है तो मेल फॉर्मेशन। जैसे अगर किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का अगर कोई बच्चा होने वाला है, लेकिन उसे उसे वॉर्म के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर अगर ऑक्सीजन ना मिले, तो उसका जो दिमाग है वो सही रूप से डेवलप नहीं हो पाता, यानी मेल फॉर्म्ड हो जाता है। और ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं होती उसे बोलते हैं एनोमेली, यानी नॉर्मल नहीं है तो एनोमेली है। ए नॉर्मल के आगे ए लगा दिया, ए नो आर हटा दिया, एनोमेला, एनोमेली, एनोमेली से बना एनोमेलस, यानी वो चीज़ें जो नॉर्मल नहीं होती उन्हें बोलते हैं एनोमेली। अगला है एम्फी या एमबी, बाई, बाई मतलब क्या होता है, बी आई मतलब टू, टू बाई या डाई दोनों का मतलब होता है टू, डी आई या बाई। तो एम्फी या एमबी दोनों मतलब होता है बोथ, यानी दोनों। तो एम्फीबियन कौन होता है, एम्फीबियन वो होता है जो पानी में भी जी सकता है और ज़मीन पर भी जी सकता है, जैसे मेंढक। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे मेंढक हो गया, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ज़मीन पर भी जी सकते हैं और पानी के अंदर भी जी सकते हैं, यानी दोनों तरीके से जी सकते हैं, दोनों मतलब बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों। तो एम्फीबियन मतलब दोनों, वो जो जानवर दोनों जगह जी सकता है। अब है एम्बीडेक्स्ट्रस, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूँ और राइट हैंड से भी, तो मैं एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ, यानी मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस शब्द बना डेक्स्टर से, यानी राइट हैंडेड पर्सन को बोलते हैं डेक्स्टर, स्किल्ड पर्सन को बोलते हैं। अगर मेरे दोनों हाथों में स्किल है, दोनों हाथों में कुशलता है लिखने की, तो एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग्स और इमोशंस, जब आप किसी चीज़ के बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं उसको बोलते हैं एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस। तो मतलब किसी चीज़ के बारे में निर्णय नहीं ले पाना, मतलब कोई बहुत स्ट्रांग फीलिंग नहीं होना, या तो इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, मतलब आप एम्बीवैलेंट हैं, क्योंकि आप एम्बीवैलेंस के अंदर हैं। निर्णय ना ले पाना, मिक्स्ड फीलिंग्स होना, इमोशंस होना, कन्फ्यूज स्टेट में होना, यानी एम्बीवैलेंस होना। एम्बीग्विटी, एम्बीग्विटी मतलब होता है जब किसी बात के एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं, उसे बोलते हैं एम्बीग्विटी, यानी स्पष्ट ना होना, उसे बोलते हैं एम्बीग्विटी। और अगर मैं बोलता हूँ, इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है इक्वी वोकल, इक्वी वोकेट करना, यानी बात को घुमाना,
यानी एक से ज्यादा शब्द निकले ऐसी बात कहना यानी स्पष्ट बात ना करना, इक्विवोकेट करना यानी इक्विवोकल होना, यानी हमेशा बात आपको कैसी करनी चाहिए, अनइक्विवोकल, एकदम स्पष्ट। अगर आप मृदुभाषी हैं, कम बोलने वाले भी हैं, तो भी आपको स्पष्टवादी होना चाहिए यानी अनइक्विवोकल होना चाहिए। यानी अनइक्विवोकल का सिनोनिम हो गया अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब ऐसी बातें करना जिसके कई मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं, एक से ज़्यादा। अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट, तो अनइक्विवोकल और अनएम्बिगुअस हो गए समानार्थी शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विव, वीट या वीटा या वीव, वीवी या विव, इसका मतलब होता है लाइफ, कोई ऐसी चीज जो ऊर्जावान हो, जिसमें जिंदगी हो, उसे बोलते हैं विव, वीटा या वीवी। सो सबसे पहले हम करते हैं इसमें रिवाइव। रिवाइव मतलब, अब विव मतलब होता है जीवन या ऊर्जा, किसी चीज में दोबारा जिंदगी डाल देना यानी रिवाइव करना, रिवाइव करना। जैसे अगर कोई पुरानी इमारत है, पुरानी इमारत को आप अच्छे से पेंट कर रहे हैं, उसे दोबारा पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे रिवाइव कर रहे हैं। अगर कोई मछली है, पानी के बाहर आ गई है और वो तड़प रही है, आप उसे दोबारा पानी के अंदर फेंक देते हैं, तो आपने उसे रिवाइव कर दिया यानी उसको रीइन्विगोरेट कर दिया, आपने उसमें दोबारा जीवन डाल दिया, दोबारा ऊर्जा डाल दी, उसको कहते हैं रिवाइव। विवेसिटी, विवेसिटी होता है आपकी अगर ऊर्जा से, आपके अंदर जो जीवन है, आपके अंदर जो जिसे कहते हैं शक्ति है या अट्रैक्शन है, उससे अगर दूसरे कोई अट्रैक्ट हो सकें तो। जैसे कई व्यक्ति इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि उनकी वो चीज़ बहुत आकर्षक लगती है कि ये तो थकते ही नहीं, इतने ज़्यादा ऊर्जावान हैं कि ये थक ही नहीं रहे, यानी विवेशियस हैं, उसको बोलते हैं विवेसिटी। विवेशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, बहुत ही ज़्यादा जिंदगी से भरपूर व्यक्ति, उसे बोलते हैं विवेशियस। और विवेशियस से बना विवेसिटी, यानी विवेशियस होने की जो प्रवृत्ति है उसे बोलते हैं विवेसिटी। सर्वाइव करना यानी वाइव मतलब जिंदगी, अगर आप बुरे वक्त में भी, एडवर्सिटी में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी वीव अपने आप को ऊर्जावान रख सकते हैं, अपने आप को जिंदगी से ओत प्रोत रख सकते हैं, तो आप सर्वाइव कर जाते हैं, सर्वाइव। तो ये इम्पॉर्टेंट है विव, विट या वीवी। इसी तरह जो चीज़ आपको जिंदगी से भर दे यानी ऊर्जा से भर दे, उसे कहते हैं विटामिन, वाइटामिन। विट, विट मतलब ऊर्जा, विटामिन। अगर कोई चीज़ जैसे विटामिन है, वो क्या कर रहा है आपको, आपको ऊर्जा से भर रहा है, यानी आपको कर रहा है वाइटलाइज, वाइटलाइज करना यानी ऊर्जा से भरना, और ऊर्जा से भरे वो क्या है, वाइटामिन। इसी तरह वाइटल, वाइटल मतलब जिसमें खूब एनर्जी हो, खूब जो एकदम लाइवली हो, खूब जिसे कहते हैं जिसके अंदर ऊर्जा का कभी ना ख़त्म होने वाला भंडार हो, वो है वाइटल। वाइटल फुल ऑफ एनर्जी या वेरी वेरी लाइवली या वाइवेशियस। वीवीफाई, वीवीफाई मतलब भी वही है, किसी चीज़ के अंदर प्राण डाल देना, किसी चीज़ को अच्छा कर देना, पहले से उसमें ऊर्जा डाल देना, उसे कहते हैं वीवीफाई कर देना। नेक्स्ट है फिड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिड या फिडे, इसका मतलब होता है फेथ या ट्रस्ट। फिडेलिटी होता है अगर आप किसी चीज़ के प्रति लॉयल हैं, किसी चीज़ के प्रति, आप किसी भी चीज़ के प्रति लॉयल हो सकते हैं यानी विश्वास ना तोड़ें, चाहे वो अपना रिश्ता हो सकता है, आप अपनी मैरिज में लॉयल हो सकते हैं। मैरिज में लॉयल्टी का मतलब है आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति संबंध ना बनाएं, उसे बोलते हैं फिडेलिटी। आप सिर्फ अपने पार्टनर या स्पाउस के प्रति ही हमेशा लॉयल रहें, हमेशा ट्रस्ट मेंटेन करके रखें, उसे बोलते हैं फिडेलिटी। ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी महिलाओं से भी संबंध रखता है, तो वो हो गई इनफिडेलिटी यानी चीटिंग। इन लगा दिया मतलब शब्द उल्टा हो गया, तो फिडेलिटी का उल्टा क्या हो गया, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी यानी ट्रस्ट तोड़ना, इनफिडेल होना। ऐसा व्यक्ति जो चीटिंग करे या चीट हो, धोखेबाज, उसे बोलते हैं इनफिडेल। और जो व्यक्ति भरोसा बनाए रखे, भरोसे को ना तोड़े, वो हो गया फिडेल। यानी फिडेल व्यक्ति आपका ट्रस्ट बना के रखेगा, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। यानी वो उसना उसका वर्थ है, उतनी उसकी कीमत है कि आप उस पर विश्वास रख सकें, यानी वो ट्रस्ट वर्दी है। और जो विश्वास तोड़ेगा वो इनफिडेल है। कॉन्फिडेंस, देखिए दो शब्द होते हैं, अब मैंने बताया फिडे मतलब क्या होता है, विश्वास। अगर आपको अपने अंदर विश्वास है तो आप हैं अपने अंदर कन्फाइड कर रहे हैं, आप कन्फाइड जो करे तो उससे बना कन्फिडेंट। यानी फिडे मतलब विश्वास, कन्फाइड करना यानी किसी में विश्वास दिखाना। अगर आप खुद में विश्वास दिखाते हैं, आत्मविश्वासी हैं, तो आप हैं कॉन्फिडेंट। और अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं दिखाते तो आप हैं डिफिडेंट।
यानी DIFFIDENT, कॉन्फिडेंट का उल्टा शब्द है डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब जिसमें अपने आप पे विश्वास ना हो। डिफिडेंट को बोलते हैं शाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जो लोगों से नजरें चुराता है, उसको बोलते हैं शाई, SHY, शाई। तो ये है फिड। अब फिड मैंने आपको बताया कई बार बोनाफाइड, फाइड मतलब विश्वास, बो मतलब अच्छा, अच्छा विश्वास वाला कोई डॉक्यूमेंट हो तो वो है बोनाफाइड। इसी तरह से एक शब्द होता है जिसे कहते हैं हाई फाई, हाई फाई मतलब हाई फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप ज़्यादा विश्वास दिखा सकें, फिडेलिटी मतलब होता है विश्वास, हाई फिडेलिटी मतलब ज़्यादा विश्वास। अगर आपने कोई हाई फाई म्यूज़िक सिस्टम खरीदा है मतलब आप उसमें ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, हाई फाई है वो। इसी तरह वाईफाई, घर में हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं वाईफाई, वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, यानी वो वायरलेस है, वायर के बिना है, तार नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी फिडेलिटी है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, यानी वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। अब एक शब्द होता है कॉन्फिडेंट, ध्यान से सुनिए, अगर आपको अपने अंदर विश्वास है तो आप हैं कॉन्फिडेंट, लेकिन अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति में विश्वास है तो आप हैं, वो है व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंट। जैसे मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे सारी बातें शेयर करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, तो वो मेरा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। तो आई होप आपको कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में विश्वास में जो फ़र्क है वो क्लियर हो गया होगा। परफिडी, देखिए फिडी, फिडे मतलब विश्वास, जो व्यक्ति विश्वास को तोड़े यानी परफिडी कर रहा है, परफिडी मतलब चीट, विश्वास तोड़ना, धोखेबाजी करना, परफिडी करना। एफिडेविट, फिडे, फिडे मतलब विश्वास, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको आप विश्वास के अंदर दें वो है एफिडेविट। जैसे कहते हैं कोर्ट में आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए, एफिडेविट फाइल कर दीजिए मतलब आप एक रिटर्न डिक्लेरेशन दे दीजिए, एक कसम ले लीजिए, एक ओथ ले लीजिए कि जो भी आप कह रहे हैं ये सच है, कुछ लिख के दे रहे हैं, एक कागज़ पे मैंने कुछ लिखा, ये लिखा कि इस कागज़ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सत्य है, और अगर ये टूटा तो मैं कानूनी रूप से मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है, यानी मैं एफिडेविट दे रहा हूँ। फिडे, फिडे मतलब विश्वास। नेक्स्ट है फैक्ट, FACT, फैक्ट। फैक्ट मतलब होता है कुछ करना या कुछ बनाना, जैसे मैनुफैक्ट, मैनुफैक्ट मतलब कोई चीज़ मैनुफैक्चर करना, मैनुफैक्चर कुछ चीज़ को बनाना, बड़े स्केल पे बनाना, कंपनी के अंदर बनाना, मैनुफैक्चरिंग करना। प्यूट्रीफैक्शन, प्यूट्रीफैक्शन बोलते हैं कोई चीज़ जब सड़ जाती है, कोई चीज़ जब बहुत बुरी तरह से सड़ जाती है, जैसे कोई अगर डेड बॉडी है, अगर आप उसे ऐसी छोड़ दें, उसे जलाएं ना या दफनाएं ना, तो वो कुछ समय बाद सड़ जाएगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे, यानी प्यूट्रीफैक्शन हो गया। कोई अगर आप फल हैं उन्हें छोड़ देते हैं तो वो प्यूट्रीफाई हो जाएंगे, प्यूट्रीफैक्शन शब्द बना प्यूट्रीफाई से, प्यूट्रीफाई मतलब सड़ना। और फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब कोई भी चीज़ जिससे कोई चीज़ निकले, कोई चीज़ को बनाने में मदद करे, तो वो एक फैक्टर है। जैसे दो देशों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, उसमें क्या क्या फैक्टर हैं, यानी कौन सी चीज़ उस बुरे रिलेशंस को बनाने में मदद कर रहे हैं, यानी मेक में मदद कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर हो गया जो किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करे। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट एक ऐसी चीज़ होता है जिसे नकारा ना जा सके, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे कहते हैं फैक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो सरकमस्टांसिस ने बनाई है, अगेन बनाना, फैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है, आर्ट मतलब जैसे पेंटिंग हम करते हैं, आर्ट वगैरह, कोई शिल्पकारी करते हैं, कुछ बनाते हैं, पत्थरों से बनाते हैं, तो फैक्ट मतलब बनाना, आर्टिफैक्ट मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कल्चरल या हमारी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन्हें बनाना या उनकी खुदाई करके जब वो मिलती हैं तो वो आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी बहुत पुरानी चीज़ें जो कभी बनाई थी कभी इतिहास में, उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई हमारी सांस्कृतिक या ऐतिहासिक चीज़ों से रिलेटेड, वो हैं आर्टिफैक्ट्स। फिल मतलब होता है लव, फिल मतलब क्या होता है, लव। मैंने आपको एक शब्द बताया था बिब्लियोफाइल, बिब्लियो मतलब किताब और फाइल मतलब लव, तो मैं बुक्स को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब मैं बिब्लियोफाइल हूँ, मैं लवर ऑफ बुक्स हूँ। इसी तरह से एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल, एंग्लो मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश, एंग्लो, आपने एंग्लो इंडियन सुना होगा, एंग्लो इंडियन कौन होता है, जो जिसका एक जो वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ ब्रिटिश और यूरोपियन और दूसरा इंडियन, तो वो एंग्लो इंडियन, एंग्लो मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी से जो प्यार करे, तो अंग्रेज अंग्रेजी की हर चीज़ से जो प्यार करे, जो इंग्लैंड से प्यार करे, जो इंग्लिश से प्यार करे, उसे बोलते हैं एंग्लोफाइल। खासकर ये शब्द यूज़ होता है, कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता है, जो अंग्रेजी को बहुत पसंद करता हो वो है एंग्लोफाइल। बिब्लियोफाइल में बता चुका हूँ, जो किताबों से बहुत प्यार करता हो। फिलेंडर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फिलेंडर मतलब क्या होता है, कभी भी आप अगर वर्ड सुने एंड्रो, मतलब समझ जाइए मर्द की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। फिल मतलब प्यार,
एक ऐसा पुरुष जो कई सारी महिलाओं से प्यार करे, कहने का मतलब कोई ऐसा पुरुष जो बहुत सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखे, उसे बोलते हैं फिलेंडर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट एंथ्रोपो, एंथ्रो एंथ्रो से बना एंथ्रोपो, ये एक वर्ड रूट है, मतलब ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, मानवता। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानवता कहाँ से आई, कैसे बनी, इसका जो सामाजिक विज्ञान है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए, जैसे आदमी पहले बंदर था, गोरिल्ला था, कई इस तरह की थ्योरीज हैं, पहले बंदर से आदमी बना, तो वो बीच में बना तो सीधा ही वो आदमी नहीं बना, बीच में बहुत सारे और भी मैन बने, जैसे अब जो अभी मैन है वो है होमोसेपियंस, इससे पहले जो मैन था वो था, कई तरह के मैन बीच में आए, क्रोमैग्नन मैन आया, नियंडरथल मैन आया। तो ये सब पढ़ना, या कौन सा किस तरह का व्यक्ति कौन से औजार यूज़ करता था स्टोन एज में, आयरन एज में, ये सब है एंथ्रोपोलॉजी का विज्ञान। मिस एंथ्रोप, मैंने बताया मिस मतलब नेगेटिव, एंथ्रोप मतलब मानवता, मिस एंथ्रोप मतलब जो मानवता को नुकसान पहुंचाए, मानवता से नफरत करे, जैसे कोई टेररिस्ट है तो वो मिस एंथ्रोपी कर रहा है, यानी मिस एंथ्रोप है वो। और फिल मतलब होता है लव, फिल मैंने पिछले ही स्लाइड में बताया, फिल मतलब लव, और एंथ्रो मतलब मानवता, जो मानवता से प्यार करे वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल एंथ्रो, एंथ्रो मतलब मानवता, फिल मतलब प्यार, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानवता से प्यार करे। जैसे मानवता से प्यार करने का क्या मतलब है, कोई व्यक्ति अगर बहुत धनी है तो वो धन का एक हिस्सा मानवता की भलाई में दे रहा है, यानी वो फिलेंथ्रोपिस्ट है। कोई पैसा दे रहा है, गरीबों को खाना खिला रहा है, ये सब एक्टिविटीज़ हैं फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी जो करे वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है स्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब देखना, देखना, टू लुक, स्पेक्ट। अब अगर आप देखते हैं किसी चीज़ से तो वो हो गए स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, चश्मे की मदद से आप स्पेक्ट करते हैं तो स्पेक्टेकल्स हो गए। अगर कोई देखने लायक चीज़ है, बहुत ही बड़ा मैच है मान लीजिए, बहुत ही बड़ा कोई जादुई शो है, तो वो है स्पेक्टेकल, यानी देखने लायक। स्पेक्ट मतलब देखना, देखने लायक मतलब स्पेक्टेकल, और जिस चीज़ की मदद से आप देखते हैं चश्मा यानी स्पेक्टेकल्स। इंस्पेक्ट करना, इन मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना, यानी किसी चीज़ के अंदर बहुत डिटेल में देखना, निरीक्षण करना। मैं पुलिस वाला हूँ अगर, और कोई मुझे केस मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, यानी मैं हो गया इंस्पेक्टर। किसी चीज़ के अंदर बहुत निरीक्षण करना, बारीकी बालकी खाल निकाल देना, यानी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करना। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट होता है कोई नई चीज़ लेके आना, कोई नया डिस्टिंक्ट चीज़ लेके आना किसी प्रॉब्लम के अंदर। जैसे कोई कोई एक प्रॉब्लम है, उसमें कई एस्पेक्ट्स होंगे, उसके कई पहलू होंगे, तो एस्पेक्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं पहलू। इंट्रोस्पेक्शन करना, यानी अपने अंदर झांकना, अपनी बुराइयों को देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना। आत्मचिंतन, आत्म मंथन करना, यानी इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने अंदर देखना, इंट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब देखना, इंट्रो मतलब खुद के अंदर, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की चीज़ देखना, पीछे की चीज़ देखना, पास्ट में जो हो चुका उसे देखना। और जब पास्ट की चीज़ों को आप देखते हैं और उन्हें याद करते हैं, उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। पुरानी चीज़ें जब आपको याद आती हैं, कईयों को अपना स्कूल की लाइफ याद आती है, कईयों को अपनी कॉलेज की लाइफ याद आती है, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट करना, यानी स्पेक्ट मतलब देखना, रेस्पेक्ट यानी किसी दूसरे की तरफ इस तरह से देखना कि आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, यानी टू लुक अप टू समवन, यानी दूसरे को सम्मान देना, सम्मान का भाव रखना, यानी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है जो एग्जाम में बार बार आता है, उसे बोलते हैं डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस यानी सम्मान देना, रेस्पेक्ट। और जो देखता है उसे है स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब जो कुछ देखता है। जैसे आज मैच हुआ और मैदान में 50,000 स्पेक्टेटर बैठे थे, स्पेक्ट करने वाले बैठे थे, यानी देखने वाले, दर्शक, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक। तो ये है स्पेक्ट। एक और शब्द बताता हूँ आपको, सरकम, सरकम मतलब क्या होता है, गोल गोल, जैसे जो सर्कल है, सर्कल से बना सरकम, और सरकम मतलब जैसे अगर सर्कल की जो लेंथ है उसे बोलते हैं सरकमफेरेंस, तो सरकम स्पेक्ट कौन होता है। स्पेक्ट मतलब देखना, सरकम मतलब चारों तरफ, गोल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं देखने से पहले अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, मतलब मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ, केयरफुल, बहुत ज़्यादा केयरफुल, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच विचारना कदम उठाने से पहले, ऐसा व्यक्ति जो अपने चारों तरफ देख के चले। कहने का मतलब, भावार्थ समझिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन आसानी से ना ले, हर चीज़ के बारे में उसके मन में एक संकोच हो, उसे बोलते हैं कॉशियस या केयरफुल या सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट है थैनेटोस, थैनेटोस मतलब होता है मृत। जैसे मैंने बताया यू, यू मतलब अच्छा, यू प्लस थैनेटोस यानी यूथेनिसिया मतलब मर्सी किलिंग। ऐसे ही मोर एक शब्द होता है, MOR, मोर, मोर मतलब भी होता है मृत्यु, डेथ। अगर कोई चीज़ नश्वर है यानी मोर्टल है, यानी एक दिन वो मरेगी ज़रूर, मोर्टल। और अगर कोई चीज़ शाश्वत है यानी कभी नहीं मरेगी, यानी इमोर्टल।
तो ये शब्द मोर से बनते हैं। मोर्शुअरी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मुर्दे रखे जाते हैं उसे बोलते हैं मोर्शुअरी। इसी तरह से एक शब्द होता है जैसे मोर्टल है, मोरोज। मोरोज मतलब बहुत ज़्यादा दुख, मोरोज। मोर मतलब डेथ, डेथ जहाँ पे होती है वहाँ बहुत दुख होता है, यानी मोरोज एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुखी हो वो है मोरोज। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मरने वाली है वो है मोरीबंड, MORIBUND, मोरीबंड, यानी कोई चीज़ बिल्कुल जब मरने ही वाली है, कोई पेशेंट है कैंसर के लास्ट स्टेज में तो वो मोरीबंड है। जैक्ट, जैक्ट मतलब होता है फेंकना, फेंकना कोई चीज़ थ्रो करना, जैसे फॉर एग्जांपल प्रो, प्रो मतलब आगे, आगे की तरफ कोई चीज़ फेंकना यानी प्रोजेक्ट करना, और कोई चीज़ अगर आगे की तरफ फेंकता है तो वो है प्रोजेक्टर। जैसे अगर आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, टीचर यूज़ करते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर, तो जो वो प्रकाश है, जो तस्वीर है वो आगे की तरफ फेंकता है यानी प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टर। रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना किसी को, मतलब किसी को अपने से दूर फेंक देना, रिजेक्ट कर देना। जैक मतलब फेंकना, रिजेक्ट मतलब किसी को दूर फेंक देना, कहने का मतलब दूसरी चीज़ जो कोई चीज़ है उससे दूर भागना। आप रिजेक्ट कर दिया, आपने अपने से दूर कर दिया उसे, आपने उसे अपने लायक नहीं ठहराया, रिजेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे विषय नहीं है, सब्जेक्ट जैसे कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब है जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं किसी और के रूल के अंडर, यानी आप किसी की किसी का जो शासन है उसके लिए अपने ऊपर स्वीकृति दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब मतलब ही होता है जूनियर, जैसे एक तो बॉस होता है कंपनी के अंदर और दूसरा कौन होता है उसका, सबऑर्डिनेट। सब, सब मतलब होता है जूनियर, तो सब्जेक्ट मतलब आपने अपने आप को जूनियर बना दिया, किसी और का जो अपने ऊपर शासन है उसको मंजूरी दे दी, यानी सब्जेक्ट। इंटरजेक्शन, इंटर मतलब बीच में, अपने आपने अपने आप को जबरदस्ती बीच में फेंक दिया, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आप उन इंटरजेक्ट कर रहे हैं यानी आप उन्हें टोक रहे हैं बीच में, जबरदस्ती अपना पॉइंट बीच में घुसा रहे हैं, आप उन्हें टोक रहे हैं यानी डिस्टर्ब कर रहे हैं एक तरह से, यानी इंटरजेक्ट कर रहे हैं। इजेक्ट और इंजेक्ट दो शब्द होते हैं, अगर कोई चीज़ अंदर की तरफ आप फेंकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्ट करते हैं मतलब दवाई आप अंदर ले रहे हैं, तो जो चीज़ इंजेक्ट करे वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अंदर की तरफ फेंके, और अगर कोई बाहर है तो वो है इजेक्ट, यानी बाहर की तरफ फेंकना यानी इजेक्ट करना। जैसे सांस ले रहा हूँ मैं, तो मैं सांस को इंजेक्ट कर रहा हूँ अंदर, और बाहर फेंक रहा हूँ तो इजेक्ट कर रहा हूँ, जिसे हम इनहेल या एक्सहेल कहते हैं। फोर्ट, फोर्ट मतलब होता है मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूत, ताकतवर, चाहे ये मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से। तो फोर्ट मतलब अगर कोई चीज़ आपकी फोर्टे है, जैसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स आर नॉट माई फोर्टे, तो फोर्टे मतलब स्पोर्ट्स मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, स्पोर्ट्स आर नॉट माई फोर्टे, मेरी ताकत की जो चीज़ है यानी मेरा जो कुशलता है उसके अंदर स्पोर्ट्स नहीं आते हैं, इट इज़ नॉट माई फोर्टे, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। फोर्टिफाई करना किसी चीज़ को यानी मजबूत करना, किसी भी चीज़ को मजबूत करना, आप रोज़ अगर अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं तो आप अपनी अंग्रेजी को फोर्टिफाई कर रहे हैं। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जैसे किला, तो किले को बोलते हैं फोर्ट्रेस, बहुत बड़ा, जैसे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, तो फोर्ट्रेस मतलब कोई ऐसी इमारत, कोई ऐसा मिलिट्री ग्राउंड जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, जिसको भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, अभेद हो जो। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड बोलते हैं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, आप करेजियस कितने हैं, आप साहसी कितने हैं, आप कहीं तकलीफ़ से आसानी से घबरा तो नहीं जाते, यानी घबरा जाते हैं तो आप में फोर्टिट्यूड नहीं है, अगर आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप में फोर्टिट्यूड है। तो ये थे वर्ड आर्ट्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिख के बताइए, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे आप बताइए बेनेवोलेंट और मेलेवोलेंट में क्या फ़र्क है, कमेंट्स में लिख के बताइए, और अगर आप चाहते हैं मैं वर्ड रूट्स के ऊपर और वीडियोज़ बनाऊँ तो भी आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका जो उत्तरदायित्व है वो है इस वीडियो को शेयर करना, अगर आप अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।